पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी भलोटिया मार्केट में एक दवा व्यापारी को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिसको देखते हुए उस दुकान के बाएं और दाएं तरफ की तीन तीन दुकानें सील करते हुए उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिसके संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमित मिले उस व्यक्ति के घर को भी हॉटस्पॉट बनाया गया है। SDM सदर ने कहा कि बुधवार को सबसे अधिक 27 केस मिले हैं, सभी क्षेत्रों में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, हाँ अभी जैसे कि सीएम साहब से बात हुई हमारी, तो बलोटिया मार्केट में एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला है। तुर्कमेनपुर में भी हमारा एक व्यक्ति अभी पॉजिटिव पाया गया है। आज बता रहे हैं लगभग 24 पॉजिटिव केस मिले हैं पूरे गोरखपुर जिले में, जिसमें बड़लगंज और कोड़ीराम के ज़्यादा हैं। और शाम तक अभी स्थिति क्लियर होगी किस किस तहसील कितने कितने हैं, लेकिन भलोटिया मार्केट में जो कि दवा विक्रेता है उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है। अब वही उस एरिया को हम 250 मीटर कंटेनमेंट करेंगे और 400-500 मीटर का हम बफर जोन बनाएंगे और उसमें आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। और जो जो कांटेक्ट में आए हैं उस व्यक्ति उन व्यक्तियों से पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति से उन संक्रमित व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी, कौन कौन पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, और फिर उनका टेस्ट भी कराया जाएगा और साथ में सैनिटाइजेशन का कार्य चलता रहेगा। किस दिन तक उसको पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाएंगे? अभी ये बलोटिया मार्केट में राज्य मेडिकल एजेंसी पे हमें वो मिला है पॉजिटिव, तो उसने उस दुकान के साथ साथ बगल की तीन दुकान है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तीन तीन दुकानों को सील किया जाएगा। उसके साथ साथ जहां पे वो व्यक्ति मिला है जिस मोहल्ले में वो रहता है उसके एरिया को भी सील करवाया जाएगा, इसको कंटेनमेंट बनाया जाएगा।